नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जहां आज का टॉपिक है हमारा रूम स्टेटस। जी हां दोस्तों, आपने बहुत सारी ऐसे टर्म्स देखे होंगे जो रूम स्टेटस से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि ऑक्यूपाइड को हम ओ डबल सी लिखते हैं, वैकेंट को हम वी लिखते हैं, किसी किसी होटल में डिपार्चर रूम्स को हम एन लिखते हैं या डी लिखते हैं, कोई गेस्ट लगेज लेके चला जाता है तो उसको हम स्कैंटी बैगेज लिखते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी टर्म्स जो हमारी रूम ऑक्यूपेंसी में या फिर रूम डिस्क्रिपेंसी में काम आता है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर होटल में यही कोर्स इस्तेमाल हो। ये होटल टू होटल डिफर भी कर सकता है या फिर उनके एसओपी के हिसाब से वो इसको चेंज भी कर देते हैं। देखिए, वो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इसका कोई ऐसा यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि आपको इस कोड को ऐसे ही लिखना है। फॉर एग्जांपल, आपको ऑक्यूपाइड रूम को ओ ही लिखना है या फिर आपको ऑक्यूपाइड रूम्स को ओ डबल सी ही लिखना है, जिसकी वजह से ये चेंज भी हो सकते हैं। तो आप इसको एज अ न्यूट्रल ही लीजिए, लेकिन मैंने आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है जो मोस्टली सारे होटल्स में यही यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वी सिंबल की। वी का मतलब होता है वैकेंट रूम्स। वैकेंट रूम्स हमारे वो होते हैं जो पिछले दिन हमने बनाए हैं, उसको सुपरवाइजर ने चेक भी किया है, लेकिन उनमें कोई गेस्ट नहीं आया है। तो मतलब वो रूम बने हुए भी हैं और हमको उनको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कल के बने हुए रूम्स आज के वैकेंट रूम्स कहलाएंगे। तो वी मतलब वैकेंट रूम्स। नेक्स्ट है हमारा वी सी। वी सी मतलब वैकेंट एंड क्लीन। ये वो रूम्स होते हैं हमारे, फॉर एग्जांपल गेस्ट ने आज चेकआउट किया और रूम अटेंडेंट ने उस रूम को आज बना दिया, लेकिन सुपरवाइज़र ने उसको चेक नहीं किया है, तो मतलब वो रूम खाली है, वैकेंट है और क्लीन भी है, लेकिन उसको सुपरवाइज़र ने चेक नहीं किया है अभी। तो ऐसे रूम्स को हम बोलते हैं वैकेंट एंड क्लीन रूम्स, और इनको एक कई होटल्स में वी आर कह के भी बोलते हैं। वी आर मतलब वैकेंट एंड रेडी। नेक्स्ट है हमारा वी डी। वी डी का मतलब है हमारा वैकेंट एंड डर्टी। ये वो रूम्स होते हैं हमारे जो आज चेकआउट हुए हैं लेकिन उसको बनाया नहीं गया है, मतलब वो रूम खाली तो है लेकिन वो डर्टी रूम्स हैं, तो उनको हम बोलते हैं वैकेंट एंड डर्टी, जिनको हम डोनेट करते हैं वी डी सिंबल से। नेक्स्ट आता है हमारा वी आर या फिर सी आर। वी आर मतलब होता है वैकेंट रेडी एंड सी आर मतलब होता है क्लीन रेडी। ये वो रूम्स होते हैं जो आज चेकआउट हुए हैं, हाउसकीपिंग और अटेंडेंट ने उसको बना भी दिया है, सुपरवाइज़र ने उसको चेक भी कर लिया है, तो ऐसे रूम्स जो अब फ्रंट ऑफिस सेल कर सकता है उनको हम बोलते हैं वैकेंट रेडी या फिर क्लीन एंड रेडी रूम्स। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपाइड रूम्स। इनको हम डोनेट करते हैं ओ सिंबल से या फिर ओ डबल सी सिंबल से। ये वो रूम्स होते हैं जिनमें अभी भी गेस्ट स्टे कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डिपार्चर रूम्स। देखिए, डिपार्चर रूम जैसे मैंने आपको बताया कि सेम ही है वी डी जैसा, वी मतलब वैकेंट एंड डर्टी रूम जैसा, लेकिन कई होटल्स में इनको एन सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डी सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ये मतलब होता है कि गेस्ट आज चेकआउट हो गया है लेकिन वो रूम अभी रेडी नहीं हुआ है, जिसको हम तीन सिंबल से डोनेट करते हैं। पहला है हमारा वी डी, दूसरा है हमारा डी और तीसरा है हमारा एन सिंबल। नेक्स्ट है डी एन डी। डी एन डी का मतलब डू नॉट डिस्टर्ब। ये ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ पर गेस्ट ने या तो कोई सिंबल लगा रखा होता है या फिर एक कार्ड लटका रखा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है डू नॉट डिस्टर्ब, मतलब अभी गेस्ट ने मना किया है उनको डिस्टर्ब करने के लिए। इसको हम डोनेट करते हैं डी एन डी वर्ड से। देखिए, बहुत से रूम में गेस्ट स्टे तो करता है लेकिन उसके पास कोई भी लगेज नहीं होता है, तो उसको हम कैसे डोनेट करते हैं? तो देखिए, ऐसे रूम्स को हम डोनेट करते हैं एन एल ओ से। एन एल ओ का मतलब नो लगेज ऑक्यूपाइड रूम्स। इनको कई होटल्स में एन एल से भी डोनेट करते हैं, जिसका मतलब होता है नो लगेज, एंड एन बी नो बैगेज। नेक्स्ट है हमारा एस बी। इसका मतलब होता है स्कैंटी बैगेज। ये वो गेस्ट होते हैं जिनके पास बहुत ही छोटा बैगेज होता है, मतलब जैसे कोई शोल्डर बैग हो गया या फिर कोई कैरी बैग हो गया, जिसको वो आराम से होटल के बाहर ले जा सकते हैं। तो ऐसे रूम्स को हम बोलते हैं स्कैंटी बैगेज, जो हम डोनेट करते हैं एस बी से। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रूम्स, जिनको हम डोनेट करते हैं सी ओ एम पी से, जिन्हें हम कॉम्प भी बोला जाता है। ये वो रूम्स होते हैं जिसके लिए गेस्ट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, उसका पूरा स्टे या फिर रूम रेट कॉम्प्लीमेंट्री होता है। नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ ऑर्डर रूम्स। इन रूम्स को हम ट्रिपल ओ से डोनेट करते हैं, और आउट ऑफ ऑर्डर रूम्स हमारे वो रूम्स होते हैं जो रूम की इन्वेंट्री में काउंट नहीं होते हैं, मतलब फ्रंट ऑफिस उनको सेल नहीं कर सकता है।
आउट ऑफ ऑर्डर के वैरायटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से कुछ है कि मान लो सीलिंग टूटी हुई है, या फिर कोई फर्नीचर चेंज करना है, उस पर्टिकुलर रूम को रिफर्बिश करना है, तो मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से रूम आउट ऑफ ऑर्डर होता है और इसको हम डोनेट करते हैं OOO से। मतलब नेक्स्ट आता है हमारा आउट ऑफ सर्विस रूम्स। देखिए, जो आउट ऑफ सर्विस रूम्स होता है इनको हम डोनेट करते हैं OONS सिंबल से। ये वो रूम होते हैं जिनमें कोई माइनर सी मेंटेनेंस रिक्वायर होती है, फॉर एग्जांपल बल्ब फ्यूज़ है, या फिर टैप वाटर से पानी लीक हो रहा है, या फिर WC से पानी लीक हो रहा है, डोर अच्छे से बंद नहीं हो रहा है, तो इन रूम्स को हम बोलते हैं आउट ऑफ सर्विस रूम्स। और ये रूम्स इन्वेंट्री से माइनस नहीं होते हैं, क्योंकि इनको मेंटेनेंस कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फ्रंट ऑफिस इसको सेल कर सकता है सेम डे भी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया रूम स्टेटस कोड्स, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है रूम ऑक्यूपेंसी लेते टाइम पर। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे लिंक्डइन पे भी पूछ सकते हैं। मैंने अपने लिंक्डइन आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं हाउसकीपिंग फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो सेक्शन में जाके प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, क्योंकि वो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोज़ हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। और अगर आप हमसे प्रोफेशनल रिज्यूमे बनवाना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक और डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।